गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू योर चैप्टर नंबर सेकंड, द टीथ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर एटसेट्रा ऑफ टीथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम पिक्चर्स आर गिवन हेयर। सर्कल द पिक्चर ऑफ द थिंग्स विच आर यूज टू कीप योर टीथ एंड टंग क्लीन। उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जो हमारे टीथ और टंग को क्लीन करने में, साफ करने में हेल्प करते हैं। देयर आर सिक्स पिक्चर्स। सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सोप। एज वी ऑल नो, सोप इज यूज टू क्लीन अवर होल बॉडी, सो इट इज़ नॉट यूज टू क्लीन अवर टीथ एंड टंग। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ टूथब्रश। यस, टूथब्रश इज यूज टू क्लीन अवर टीथ, सो यू हैव टू सर्कल दिस पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ शैम्पू। एज वी ऑल नो, शैम्पू इज यूज टू क्लीन अवर हेयर, सो यू हैव टू पुट ए क्रॉस हेयर। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ डेंटल फ्लीस। डेंटल फ्लीस इज यूज टू रिमूव द फूड स्टक बिटवीन अवर टीथ। वो वाला खाना जो हमारे दांतों में फंस जाता है उसको निकालने में हेल्प करता है डेंटल फ्लीस, सो यू हैव टू सर्कल दिस पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ टूथपेस्ट। यस, टूथपेस्ट is used to clean our teeth, so you have to circle this picture. Next picture is of foot scrubber. As we all know, foot scrubber is used to clean our foot, so put a cross here. So there are only three pictures. Put a circle here on toothbrush, dental floss and toothpaste. Next we will read our chapter. Teeth are present inside our mouth. टीथ फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। टीथ जो होते हैं वो हमारे माउथ के अंदर होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। ये हमारे जो माउथ होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। हाउ दे विल हेल्प अस। दे हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। ये हमारे खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। च्यू का मतलब होता है चबाना। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, क्लियरली बोलने में। दे गिव शेप टू आवर फेस। ये हमारे फेस को क्या देते हैं, शेप देते हैं। जैसे कोई जिसके टीथ नहीं होते उनकी क्या है, कोई शेप नहीं होती फेस की, इरेगुलर शेप होती है उनकी। व्हेन यू वर बोर्न यू हैड नो टीथ। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे कोई टीथ नहीं होते हैं। एज ए बेबी शोन हेयर। यहाँ एक बेबी शो किया हुआ है पिक्चर में, आप देख सकते हो। इसके क्या है, कोई टीथ नहीं है, बेबी विद नो टीथ। यू ड्रैंक मिल्क एट सॉफ्ट सेमी सॉलिड फूड। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एट दैट टाइम या तो सिर्फ मिल्क ड्रैंक करते हैं, सॉफ्ट खाना खाते हैं, या सेमी सॉलिड फूड खाते हैं। सेमी सॉलिड फूड मीन्स जो आधा क्या होता है सॉलिड होता है और आधा क्या होता है लिक्विड, जैसे दलिया, खिचड़ी वगैरह। नेक्स्ट इज यू प्रोबेबली कट योर फर्स्ट टूथ व्हेन यू आर अबाउट 6 or 8 months ओल्ड। हमारे सबसे पहले दांत कब आते हैं, जब हम क्या होते हैं 6 months के होते हैं या 8 months के होते हैं या इसके बीच में होते हैं, 6 or 8 months के बीच में। हेयर ए पिक्चर इज गिवन। दिस पिक्चर इज ऑफ ए बेबी विद टीथ। या तो ये बेबी क्या होगा 6 months का होगा या 8 months का होगा या 6 or 8 months के बीच में होगा। ये इसके दांत आए हुए हैं ना, ए बेबी विद टीथ। By the age of 3, you had nearly 20 teeth. The first set of the teeth in the mouth is called milk teeth or temporary teeth, 10 in each jaw. जब हम क्या है बड़े होते हैं, 3 साल के हो जाते हैं, तब हमारे कितने टोटल टीथ कितने होते हैं, 20 teeth. You had nearly 20 teeth. The first set of the teeth in the mouth is called milk teeth or टेम्प्ररी टीथ। जो फर्स्ट सेट आता है पूरे टीथ का हमारे माउथ में, जैसे ये पूरा सेट है टीथ का हमारे माउथ में, इसको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ और टेम्प्ररी टीथ। जो फर्स्ट सेट, सबसे पहले जो सेट आता है माउथ में हमारे टीथ का, उसको क्या कहते हैं, मिल्क टीथ और टेम्प्ररी टीथ। दे आर 10 in each जो, ये क्या होते हैं, 10 होते हैं, 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। वी हैव टू जॉस, we have two jaws, the upper one is called upper jaw and this is called lower jaw. जो ऊपर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, अपर जॉ, जो नीचे वाला होता है उसको क्या कहते हैं, लोअर जॉ।
तो हमारे मिल्क टीथ कितने होते हैं, 10 इन ईच जो, 10 ही टीथ अपर जो में होते हैं और 10 टीथ ही कितने होते हैं लोअर जो में, तो टोटल मिलके कितने टीथ हो गए, 10 + 10 = 20 टीथ। सो वी हैव नियरली 20 टीथ बाय द एज ऑफ 3। दीज 20 टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। नेक्स्ट इज वाई दे आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ, बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर दे विल फॉल ऑफ। जब हम क्या है बड़े होते हैं तब क्या है ये टूट जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं। जैसे क्या होता है हम बड़े होते हैं तब ये दांत टूट जाते हैं और इनकी जगह पे क्या आते हैं, हमारे परमानेंट टीथ आते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर टीथ मेड अप ऑफ, टीथ किसके बने होते हैं, कैसे बने होते हैं। द टीथ इन अवर इन योर माउथ आर फिक्स्ड इन सॉफ्ट पिंक गम्स ऑफ ईच जॉ। मैंने बताया ना हमारे कितने जॉ होते हैं, 2 जॉज होते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर जॉ एंड दिस वन इज कॉल्ड लोअर जॉ। द टीथ इन योर माउथ आर फिक्स्ड इन सॉफ्ट पिंक गम्स, जो हमारे टीथ होते हैं वो सॉफ्ट पिंक गम्स में फिक्स होते हैं, पिंक गम्स होती है हमारी ये वाली गम्स को हम हिंदी में मसूड़े भी कहते हैं। जो हमारे टीथ होते हैं वो इन पिंक गम्स में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो हमारे हरेक जॉ में होते हैं। यू कैन ओनली सी ए पार्ट ऑफ ईच टूथ, हम टूथ का कुछ हिस्सा ही देख सकते हैं, कुछ जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, जॉ के अंदर होते हैं, इनसाइड द जॉ और गम्स के अंदर होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। द रूट ऑफ द टूथ इज इनसाइड योर जॉ बिलो द गम्स, जो रूट होती है टूथ की, रूट क्या होती है, जड़, जैसे प्लांट्स की जड़ होती है वैसे ही क्या होती है, टूथ की जड़ होती है। तो जो रूट होती है टूथ की वो क्या होती है, गम्स के अंदर होती है, बिलो द गम्स इनसाइड योर जॉ। द रूट ऑफ द टूथ इज इनसाइड योर जॉ, जॉ के अंदर होती है, बिलो द गम्स, गम्स के नीचे। नेक्स्ट इज पेज नंबर 16, पार्ट्स ऑफ ए टूथ, टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं। टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, एक टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज रूट, सेकेंड वन इज क्राउन एंड थर्ड वन इज नेक। रूट क्या होता है, जड़, जैसे प्लांट्स की रूट होती है वैसी क्या होती है, टीथ की भी रूट होती है। रूट क्या होती है, जैसे प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट सॉइल के अंदर होती है, ऐसी जो टीथ होते हैं उनकी जो रूट होती है वो क्या है, गम्स के अंदर होती है, पिंक गम्स होते हैं ना, गम्स के अंदर होती है, जॉ के अंदर। द इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम, वो वाला हिस्सा टूथ का जो क्या होता है, गम्स के अंदर होता है। ये वाली पिंक क्या होती है, गम्स, जिसको हम क्या है हिंदी में मसूड़े भी कहते हैं। जो रूट होती है इसका मतलब रूट क्या होगी, जो गम्स के अंदर होगी, ये देखो शो की गई हुई है पिक्चर में। नेक्स्ट इज क्राउन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ डैट इज सीन अबव द गम, वो वाला हिस्सा पार्ट हिस्सा टूथ का जो क्या है गम्स के ऊपर होता है। क्राउन, क्राउन मीन्स, क्राउन किधर पहनते हैं हम, सर पे पहनते हैं ना, तो क्या है क्राउन वाला पार्ट किधर होगा, टूथ का ऊपर ही होगा। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ डैट इज सीन अबव द गम, वो वाला हिस्सा टूथ का जो क्या है गम्स के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, क्राउन। नेक्स्ट इज नेक, इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ, वो वाला पार्ट टूथ का दैट लाइज बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, जो क्या है रूट और क्राउन के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं हम, नेक। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए टूथ, फर्स्ट वन इज रूट, सेकेंड वन इज क्राउन, थर्ड वन इज नेक। रूट क्या होती है, गम्स के अंदर होती है, नेक क्या होती है, क्राउन और रूट के बीच में जो होता है वो क्या होती है, नेक। नेक्स्ट इज क्राउन, क्राउन क्या होता है, बाहर वाला पार्ट जो होता है टूथ का जो क्या है गम्स के ऊपर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, क्राउन। नेक्स्ट इज ट्राई इट योर सेल्फ, ओपन योर माउथ एंड लुक एट योर सेल्फ इन ए मिरर, काउंट द नंबर ऑफ टेम्प्रेरी टीथ डैट यू हैव, आल्सो सी इफ एनी मिल्क टीथ हैव फॉलन। आपने क्या करना है, अपना माउथ ओपन करना है और अपने टीथ को देखना है मिरर में,
आपने काउंट करने कि मेरे कितने टेम्प्रेरी टीथ हैं, और जो टेम्प्रेरी टीथ है उसमें से कोई एक आधा क्या टूटा है या नहीं, वो आपने देखना है। आल्सो सी इफ एनी मिल्क टीथ है फॉलन, कि क्या कोई मिल्क टीथ टूटा तो नहीं है, वो आपने आप खुद आपने मिरर में देखना है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ हैज़ थ्री लेयर्स। एक जो टूथ होता है उसकी थ्री लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड इनेमल, नेक्स्ट टू इनेमल देयर इज डेंटाइन, एंड बिलो डेंटाइन देयर इज पल्प। सबसे पहले क्या आती है इनेमल, उसके बाद क्या आती है डेंटाइन, एंड थर्ड लेयर इज पल्प। दिस पिक्चर इज ऑल्सो इन अवर सिलेबस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन 8 or 10 मार्क्स, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ऑन माई कॉपी। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ बाई सींग मी ऑन योर कॉपीज। ए टूथ हैज थ्री लेयर्स, फर्स्ट वन इज इनेमल, सेकेंड वन इज डेंटाइन, एंड बिलो डेंटाइन देयर इज पल्प। दिस डायग्राम इज ऑल्सो इन अवर सिलेबस, सो हेयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ ऑन माई कॉपी। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट ऑन योर कॉपीज। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, किसकी डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा इनेमल। सबसे पहले हम मैं क्या ड्रॉ करूँगी, इनेमल ड्रॉ करूँगी। एंड बिलो इनेमल देयर इज डेंटाइन। एंड बिलो डेंटाइन देयर इज पल्प। As there are pink gums, you can also see on your book, these are pink gums. I am going to draw here. This part is enamel. This one is dentin. And below dentin there is pulp. As you can see, in pulp there are yellow and blue colored blood vessels and nerves. जो पल्प एरिया है उसमें क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं। आप देख सकते हो ये येलो कलर की और ब्लू कलर की क्या है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। दे आर गोइंग डाउनवर्ड टू द रूट्स, ये क्या है, रूट्स की तरफ जा रही हैं। एंड फ्रॉम रूट्स दे आर गोइंग टू लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शंस। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हेयर, यू कैन सी। And this is the root of the tooth. I am going to draw here root of the tooth.
these blood vessels and nerves are going in left or right direction from downward, and below these blood vessels and nerves there is also a base. So this is the diagram of structure of a tooth. You can also color this diagram. You can color these gums in pink colors. Okay? आप जो ये gums हैं इनको pink color में कर सकते हो. Structure of a tooth. नेक्स्ट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ टूथ. एक्सप्लेनेशन दी हुई है लेयर्स ऑफ टूथ की. फर्स्ट वन इज़ इनेमल. इट इज़ द आउटर वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ. ये क्या होती है? आउटर वाइट कवरिंग होती है, वाइट कलर की होती है, आउटर कवरिंग होती है टूथ की. इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर. ये क्या है? टूथ को वियर एंड टीयर मतलब टूटने से बचा के रखती है. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द टूथ. ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारे टूथ का. नेक्स्ट इज डेंटाइन. इट इज़ फाउंड बिलो द इनेमल. ये क्या होती है? इनेमल के नीचे होती है. इट इज़ हार्ड. ये भी क्या होती है? हार्ड होती है और बोन लाइक एंड बोन लाइक. इट इज़ सॉफ्टर देन द इनेमल. ये क्या होती है? इनेमल से थोड़ी सॉफ्ट होती है. पल्प. इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए टूथ. ये क्या? जो सेंटर में दिया हुआ है ना, देखो पल्प. इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ. इट इज़ सॉफ्ट एंड हैज़ ए सप्लाई ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ये क्या है? सेंट्रल पार्ट होता है टूथ का. इसमें क्या होती है? नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं. जो हमारा ब्लड है वो इसमें ही फ्लो करता है, नर्व्स में और ब्लड वेसल में. नेक्स्ट इज काइंड ऑफ टूथ. बाई द एज ऑफ 6 योर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग वन बाई वन. दे आर रिप्लेस्ड बाई न्यू लार्जर टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ. एज आई हैव सेड अर्लियर डैट वी हैव मिल्क टीथ डैट स्टार्ट्स फॉलिंग वन बाई वन. सबसे पहले क्या आते हैं? हमारे 20 मिल्क टीथ आते हैं और वो क्या करते हैं? धीरे धीरे टूटना शुरू कर जाते हैं बाई द एज ऑफ 6, जब हम 6 ईयर्स के होते हैं. फिर उनकी जगह पर क्या आते हैं? हमारे परमानेंट टीथ आते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं. ये कितने होते हैं परमानेंट टीथ? 32 परमानेंट टीथ होते हैं हमारे. 16 इन ईच जो 16 ही ऊपर होते हैं, अपर जॉ में होते हैं, और 16 क्या होते हैं? लोअर जॉ में होते हैं. परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स. परमानेंट टीथ भी नेक्स्ट क्या है? 4 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस. वो क्या करते हैं? अपने फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ. फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड इज कैनाइंस, थर्ड टाइप इज प्री मोलर्स एंड फोर्थ टाइप इज मोलर्स. इंसीजर्स क्या होते हैं? द फ्रंट 4 टीथ इन ईच जॉ 8 इन ऑल आर कॉल्ड इंसीजर्स. द 4 फ्रंट टीथ, जो ये फ्रंट वाले 4 टीथ होते हैं 1 2 3 4, ये क्या होते हैं? हमारे इंसीजर्स. 4 ही क्या होते हैं? अपर जॉ में होते हैं, एंड 4 ही क्या होते हैं? लोअर जॉ में होते हैं. सो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 = 18. और टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं. इनको क्या कहते हैं? हम इंसीजर्स. दे हेल्प टू बाइट एंड कट फूड. ये क्या करते हैं? खाने को बाइट करने में और कट करने में हेल्प करते हैं. दे आर चीजल शेप्ड. इनकी शेप क्या होती है? चीजल. नेक्स्ट टाइप इज केनाइंस. देयर आर 2 canines इन ईच जॉ 4 इन ऑल. canines कितने होते हैं? 2 इन ईच जॉ.
टू इन अपर जो एंड टू इन लोअर जो, दे आर नेक्स्ट टू इंसीजर्स, ये इंसीजर्स के बाद आते हैं ये वाले। टू ही क्या होते हैं, अपर जो में होते हैं, टू ही क्या होते हैं, लोअर जो में होते हैं। टू देयर फोर दे आर टोटल टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, दे आर फोर इन ऑल। दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द इंसीजर्स, ये इंसीजर्स के बाद प्रेजेंट होते हैं। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड एज दे आर यूज टू टियर द फ्लैश, ये क्या होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। दे आर यूज टू टियर द फ्लैश, ये फ्लैश को टियर करने में हेल्प करते हैं। ये देखो इनकी शेप क्या होती है, इनका जो एंड होता है वो बहुत शार्प होता है और एक पॉइंट की तरह होता है, शार्प एंड पॉइंटेड। जो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइगर लॉयन, दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो क्या करते हैं, सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं, मीट ही खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। तो उनके क्या होते हैं, टीथ किस टाइप के होते हैं, केनाइन्स टाइप के। लाइफ स्किल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर परमानेंट टीथ, बिकॉज इफ़ यू लूज ए टूथ फ्रॉम ए परमानेंट सेट, ए न्यू वन विल नॉट ग्रो इन इट्स प्लेस। हमें क्या करना चाहिए, हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दो बार दिन में ब्रश करना चाहिए, दिन में एक बार दिन में और एक बार रात में, और हमें इनका पूरी तरह अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू लूज़ ए टूथ फ्रॉम ए परमानेंट सेट, अगर आपका जो टूथ है परमानेंट सेट से टूट जाए तो क्या उसकी जगह पे न्यू नहीं आता है, इसलिए हमें अपने जो टीथ है उनका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इज प्री मोलर्स, प्री मोलर्स आर द थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टीथ। देयर आर फोर प्री मोलर्स इन ईच जो, फोर प्री मोलर्स इन ईच जो, फोर इन अपर जो एंड फोर इन लोअर जो, सो देयर आर टोटल एट प्री मोलर्स इन आवर माउथ। दे आर नेक्स्ट टू केनाइंस, ये क्या है, केनाइंस के बाद होते हैं। दे आर यूज टू क्रश एंड च्यू फूड, ये क्या है, फूड को क्रश करने में और च्यू करने में, चबाने में हेल्प करते हैं। इनकी शेप भी आप देख सकते हो, दीज आर कॉल्ड प्री मोलर्स। एंड नेक्स्ट टू प्री मोलर्स, प्री मोलर्स के बाद में क्या आते हैं, मोलर्स। एंड नेक्स्ट टू प्री मोलर्स देयर आर मोलर्स, दे आर सिक्स इन ईच जो, सिक्स इन अपर जो एंड आल्सो सिक्स इन लोअर जो, सो देयर आर टोटल सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व टीथ इन ऑल, सो देयर आर ट्वेल्व इन ऑल। दे आर नेक्स्ट टू प्री मोलर्स, ये प्री मोलर्स के बाद में आते हैं। दे आर यूज टू ग्राइंड फूड, ये फूड को अच्छी तरह ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ये देखो पिक्चर शो की हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, फर्स्ट फोर आर इंसीजर्स, दीज फर्स्ट फोर फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स, एंड नेक्स्ट टू इंसीजर देयर आर केनाइंस, एंड नेक्स्ट टू केनाइंस देयर आर प्री मोलर्स, दे आर फोर इन ईच जो, फोर इन अपर, फोर इन लोअर जो एंड फोर इन अपर जो। एंड नेक्स्ट टू प्री मोलर्स देयर आर मोलर्स, दे आर सिक्स इन ईच जो, ये क्या होते हैं, सिक्स होते हैं हर एक जो में, अपर जो में सिक्स होते हैं, लोअर जो में सिक्स होते हैं, टोटल कितने हो गए, ट्वेल्व। हेयर ए चार्ट इज गिवन, दिस इज द टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, केनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, एंड दिस इज द नंबर ऑफ टीथ इन अपर जो, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जो एंड टोटल इंसीजर्स। एज आई हैव सेड अर्लियर, देयर आर फोर इंसीजर्स इन अपर जो एंड आल्सो फोर इंसीजर्स इन लोअर जो, सो देयर आर टोटल एट इंसीजर्स। एंड नेक्स्ट टू इंसीजर्स देयर आर केनाइंस, दे आर टू इन अपर जो एंड टू इन लोअर जो, सो देयर आर टोटल फोर केनाइंस। एंड नेक्स्ट टू केनाइंस देयर आर प्री मोलर्स, देयर आर फोर प्री मोलर्स इन अपर जो एंड आल्सो फोर प्री मोलर्स इन लोअर जो, सो देयर आर टोटल एट प्री मोलर्स। एंड नेक्स्ट टू मोलर प्री मोलर्स देयर आर मोलर्स, दे आर सिक्स इन अपर जो एंड सिक्स इन लोअर जो, सो देयर आर टोटल ट्वेल्व मोलर्स। By adding all these number of teeth in upper jaw and number of teeth in lower jaw, so there are total 16 teeth in upper jaw and also 16 teeth in lower jaw. So by the sum of teeth in upper jaw and teeth in lower jaw, 16 plus
plus 16, there are total 32 teeth in our mouth. These 32 teeth are called permanent teeth. ये 32 teeth कौन से होते हैं? Permanent teeth होते हैं. A fact is given here. Out of the 12 molars, 8 grow first, while 4 more molars called wisdom teeth grow later. मैंने क्या बताया था, हमारे कितने टोटल मोलर्स कितने होते हैं? 12. 6 अपर जो में होते हैं और 6 लोअर जो में होते हैं. अब जो मोलर्स होते हैं उस 12 मोलर्स में से जो 8 मोलर्स हैं वो पहले आ जाते हैं, हमारे पहले उग जाते हैं, और जो 4 मोलर्स हैं वो बाद में आते हैं. जो 12 मोलर्स होते हैं उसमें से जो 8 मोलर्स होते हैं वो हमारे पहले आ जाते हैं, और जो 4 मोलर्स जो बाद में आते हैं उनको क्या कहते हैं हम? विजडम टीथ. 4 मोर मोलर्स कॉल्ड विजडम टीथ डैट ग्रो लेटर. नेक्स्ट इज ट्राई इट योर सेल्फ. मूव योर टंग अलोंग द एजिज ऑफ योर टीथ. डू दे फील द सेम. ओपन योर माउथ. लोकेट द 4 काइंड ऑफ टीथ इन योर माउथ. आपने क्या करना है, अपनी जो टंग है उसको मूव करना है अलोंग द एजिज ऑफ योर टीथ. क्या आप सेम फील करते हो? ओपन योर माउथ, आपने अपना माउथ ओपन करना है, और आपने टंग की मदद से ये लोकेट करना है कि आपके जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं वो किधर किधर प्रेजेंट हैं. लुकिंग आफ्टर योर टीथ, हम अपने टीथ का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे ख्याल रखते हैं. व्हेन यू ईट, बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द गैप्स इन योर टीथ. जब हम खाना खाते हैं कुछ जो खाना है हमारे दांतों में फंस जाता है, जो हमारे दांतों में गैप्स होते हैं ना, टीथ में जो गैप्स होते हैं उनमें जो खाना आता है वो फंस जाता है. वेरी टिनी लिविंग थिंग्स कॉल बैक्टीरिया लिव ऑन द सर्फेस ऑफ योर टीथ. बहुत छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, टिनी लिविंग थिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, वो हमारे टीथ की सर्फेस पे रहते हैं. बैक्टीरिया कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप. बैक्टीरिया को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के बाहर हम नेक डाइक से नहीं देख सकते. हम ऐसे ही अपनी जो नेक डाइक्स है ऐसे हम उसको नहीं देख सकते, बैक्टीरिया को सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं. बैक्टीरिया ग्रो वेल ऑन शुगरी एंड स्टार्ची फूड. दे मेक ए सब्सटेंस कॉल्ड एन एसिड. बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या, जो शुगरी फूड होते हैं जैसे चॉकलेट्स वगैरह हम खाते हैं, फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, उस पर ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और स्टार्ची फूड पे ज़्यादा ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज. वो उन बैक्टीरियाज जो होते हैं उन फूड्स के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड. दे मेक ए सब्सटेंस कॉल्ड एन एसिड. एसिड ईट अवे द इनेमल विच कवर्स द टीथ. एसिड क्या करता है, वो वाला एसिड, वो जो हमारे दांतों की आउटर कवरिंग होती है इनेमल, जो ये होती है इनेमल, इसको ईट अवे मतलब इसको खा जाता है और इसको ख़राब कर देता है, क्रोडिड कर देता है इसको. इनेमल क्या करते हैं, हमारा ये आउटर कवरिंग होती है टीथ की, ये प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे टीथ को, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है हमारी बॉडी की. जो एसिड होता है वो क्या करता है, इस इनेमल को क्रोड कर देता है, डैमेज कर देता है, जो हमारे टीथ को कवर कर देती है, कवर करती है. अगर जो इनेमल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्रोडिड हो जाए, ख़राब हो जाए, तो क्या होता है, हमारा जो टीथ है वो भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. स्लोली ए होल कॉल्ड कैविटी इज़ फॉर्म्ड इन द टूथ. जो इनेमल है वो एक बार क्या होगी, ख़राब होगी, उसके बाद क्या होता है, एक जो होल पैदा हो जाता है टीथ में, जिसको हम क्या कहते हैं, कैविटी. स्लोली ए होल कॉल्ड कैविटी इज़ फॉर्म्ड इन द टूथ. अगर जो कैविटी है वो क्या है, ज़्यादा डीप चली जाए, जो होल है वो ज़्यादा गहरा हो जाए, ज़्यादा डूंगाई तक चला जाए और हमारे पल्प तक पहुंच जाए. ये पल्प थी ना, जिसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, पल्प. जो कैविटी है वो ज़्यादा डीप चली जाए और पल्प तक पहुंच जाओ, फिर क्या होता है, जो हमारा टूथ है वो हर्ट करना शुरू कर देता है, और हमें क्या होता है, टूथ एक होता है, टूथ हमारा जो है वो दर्द करना शुरू कर देता है. इफ़ द कैविटी गोज डीप एंड रीचिज द सॉफ्ट पल्प द टूथ बिगिंस टू हर्ट एंड यू सफ़र फ्रॉम ए टूथ एक. अगर क्या है, हमारी जो कैविटी है वो ज़्यादा डीप चली जाए,
ज़्यादा गहरी हो जाए तो क्या होता है, जो सॉफ्ट पल्प तक पहुंच जाती है जब जो कैविटी, तो हमारा जो टूथ है वो हर्ट करना शुरू कर देता है और हमारा हमें क्या होता है, टूथ एक होता है। नेक्स्ट इज समटाइम्स द रोटिंग फूड अलोंग विद बैक्टीरिया फॉर्म ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लेक्यू ऑन द टीथ। कई बार क्या होता है, जो रोटिंग फूड हम खाते हैं उस पर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं फिर एक स्टिकी येलो लेयर बना देते हैं टीथ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेक्यू। इससे क्या होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो येलो कलर की उन पे लेयर बन जाती है, हमारे टीथ पे क्या है एक येलो कलर की लेयर बन जाती है जब हम बासी खाना खाते हैं, रोटिंग फूड खाते हैं, और उस पे क्या होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। इस येलो कलर की लेयर को क्या कहते हैं हम, प्लेक्यू। यू कैन ऑल्सो सी ए पिक्चर, एज यू कैन सी दीज टीथ आर वेरी येलो इन कलर, दिस येलो लेयर ऑन द टीथ इज कॉल्ड प्लेक्यू ऑन टीथ। नेक्स्ट इज पेज नंबर 18, टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रेथ ब्लीडिंग गम्स एंड इनडाइजेशन। टूथ डिके से क्या होता है, बैड ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स सांस, सांस हमारी जो आती है गंदी हो जाती है, गंदी सांस आती है हमारे मुँह में से, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारी गम्स होती है ये वाली पिंक कलर की, ये क्या है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इनमें से होना शुरू हो जाता है, इनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन हमारा जो पाचन शक्ति है वो क्या है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज टिप्स फॉर हेल्थी टीथ, हमें जो हमारे टीथ है उनको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या टिप्स दिए हुए हैं, हम कैसे ख्याल रख सकते हैं उनका, कैसे उनको लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। फर्स्ट टिप इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, हमें क्या है टीथ को दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, वंस इन द मॉर्निंग, एक बार मॉर्निंग में करना चाहिए, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और एक बार रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए विद ए गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। नेक्स्ट इज ब्रश द फ्रंट एंड बैक ऑफ द टीथ इन सर्कुलर एंड अप एंड डाउन मोशन, हमें कैसे ब्रश करना चाहिए, पहले फ्रंट में, देन बैक में, और इन सर्कुलर अप एंड डाउन मोशन, सर्कल में और अप एंड डाउन मोशन में हमें ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट इज ए डेंटल फ्लोस शुड बी यूज टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ। डेंटल फ्लोस क्या होता है, हमें जो हमारे फूड जो होता है हमारे दांतों में फंस जाता है उसको निकालने में हेल्प करता है, हमें डेंटल फ्लोस का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ में जो स्टक हो गए हैं, टीथ में जो गैप्स होते हैं उनमें जो स्टक हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स, उनको निकाल सकें। ऑलवेज रिंस योर माउथ एवरी मील, आफ्टर एवरी मील टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ, दिस वॉशिज आउट बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स प्लेक्यू एंड गम बॉल्स। हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो टीथ हैं खाना खाने के बाद उनको हमारे माउथ को रिंस करना चाहिए, पानी से साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के गैप्स में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो अलोंग विद बैक्टीरियाज हमारे माउथ में से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट टिप इज ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड खाना चाहिए।